Hello everyone, welcome to my channel Learning Wise and I am your host Kamlesh Sharma. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम वेब पेज क्रिएशन कैसे कर सकते हैं HTML के थ्रू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन टू HTML. HTML होता क्या है? HTML HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज. ओके, सो ये बहुत पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है बट ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, प्लीज मेक इट क्लियर कि ये एक मार्क अप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, एप्स क्रिएट करते हैं. बट HTML में, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें हम वेब पेज या वेबसाइट को डिजाइन करते हैं. ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है कि ये वेब पेज और वेबसाइट होता क्या है? व्हाट इज अ वेब पेज एंड अ वेबसाइट? ओके, सो पहले इसकी ही बात करते हैं. वेब पेज यानी कि एक ऐसा पेज जो आपको इंटरनेट पर दिखता है. जैसे आप इंटरनेट पर जाते हैं और किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो आपको पेज वहां नजर आता है वो एक वेब पेज होता है. हालांकि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, लैंडिंग पेज जिसे हम कहते हैं, वो उसका होम पेज होता है. ओके, सो जो भी डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट पर देखते हैं दे ऑल आर दी वेब पेजेस और उन्हीं पेजेस का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट. ओके, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शायद आपने क्रिएट की होगी एमएस ऑफिस में, जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक काफी सारी स्लाइड्स होती हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं वेब पेज को एक स्लाइड के जैसे, और जैसे बहुत सारी स्लाइड्स के कॉम्बिनेशन को या कलेक्शन को हम एक प्रेजेंटेशन कहते हैं. सिमिलरली बहुत सारे वेब पेजेस के क्रिएट हम लोग वेबसाइट. सो हम अगर वेब पेज और वेबसाइट की बात करें तो जो भी पेज आपको इंटरनेट पर नजर आता है, किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो जो उसका फर्स्ट पेज खुलता है वो उसका होम पेज होता है, वो भी एक वेब पेज होता है. राइट, दैट इज ऑल्सो अ वेब पेज. ओके, और किसी भी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक वेबसाइट बन जाती है. ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट ही हम इस टॉपिक से सीखने वाले हैं. स्टार्टिंग के आज के लेक्चर में मैं आपको HTML क्या होता है ये बताऊंगी एंड धीरे धीरे हम इसका एक डेमो देखेंगे और आप बहुत ही परफेक्ट वे में वेबसाइट क्रिएट करना सीख पाएंगे. ओके, सो नाउ कमिंग टू, मैंने आपको HTML बता दिया, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है वो समझा दिया, मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है वो समझा दिया, वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है वो बता दिया. ओके, अभी बात करते हैं HTML के फीचर्स की. क्या खूबियां हैं इस HTML लैंग्वेज की? सो लिखते हैं जरा फीचर्स ऑफ HTML. सबसे पहले जो HTML का फीचर है वो ये है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है ना, ये कोई भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है, नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है. नाउ क्वेश्चन आता है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिविटी ऑफ अ लैंग्वेज? सो बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो होती है जिसमें लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है. ओके, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आई प्रॉब्ली मेक अ वीडियो ऑन दैट. हर एक लेटर के अगेंस्ट हमारे पास एक ASCII वैल्यू होती है जिसके थ्रू उसको रिकग्नाइज किया जाता है कंप्यूटर में. बट अभी के लिए आप ये समझें कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें स्मॉल लेटर्स, ओके, एंड कैपिटल लेटर्स डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं, दोनों का मतलब एकदम अलग होता है. ओके, सो बट HTML के साथ ये इश्यू बिल्कुल नहीं है. आप इसमें कैपिटल में लिखें, अगर मैं एक टैग लिख रही हूं मैं उसे कैपिटल में भी लिख सकती हूं, मैं उसको स्मॉल केस में भी लिख सकती हूं, मैं उसको कंबाइन करके भी लिख सकती हूँ, एक लेटर बड़ा दूसरा छोटा फिर तीसरा बड़ा,
चौथा फिर छोटा, HTML को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है आप सभी के लिए। ओके, थर्ड फीचर, तीसरा फीचर ये है कि HTML की फाइल जो है वो हमेशा .htm या .html एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें इस फाइल को .html या .htm एक्सटेंशन से ही सेव करना है। डोंट वरी अगर आपको भी ये समझ में कम आ रहा है, क्योंकि जब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दिस। ओके, अब हम बात करते हैं HTML में, HTML को लिखना कहाँ है। इतनी सारी बातें हो गई, HTML क्या है, वेब पेज, वेबसाइट, फीचर्स एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि HTML को आप लिखेंगे कहाँ पर, ओके, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास दो चीजें इम्पोर्टेंट है जो होनी ही चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटर। ओके, अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, थोड़ी छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। जैसे आपके पास वर्ड पैड है या फिर आपके पास नोट पैड है, ठीक है। बट आई विल से नोट पैड इज द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस। नोट पैड में सबसे ज्यादा हम लोग HTML लिखते हैं, सो इसी को सेलेक्ट करें। इसका एक और लेटेस्ट वर्जन भी है, नोट पैड प्लस प्लस, आप वो भी यूज कर सकते हैं। द चॉइस इज ऑल योर्स। ओके, देन सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए वो है वेब ब्राउजर। नाउ व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, राइट। बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे। एंड द एग्जांपल इज लाइक गूगल क्रोम, ठीक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास, या मोज़िला फायरफॉक्स है। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास ब्राउजर के। आप इनमें से कोई भी एक ब्राउजर यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो रिमेम्बर आपको ये दोनों चीजें जरूर जरूर चाहिए HTML के लिए। अभी प्रोसेस क्या होता है इसका। प्रोसेस ये होता है, आप HTML को लिखते हैं नोट पैड में, ओके, विच इज योर टेक्स्ट एडिटर, और उस फाइल को सेव करते हैं .html एक्सटेंशन से। फिर उस फाइल को सेव करने के बाद आप अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और वहां पे उस फाइल को ओपन करते हैं जो आपने नोट पैड में सेव की है। ओके, देर आर अदर वेज, और भी तरीके हैं इसको एग्जीक्यूट करने के, वो हम डेमो में देखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं HTML टैग्स की, ठीक है। हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए, सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो डिस्कस कर लिया, पर HTML लिखेंगे कैसे, HTML में लिखना क्या है। ओके, सो HTML में हम लिखते क्या है। HTML में हम टैग्स लिखते हैं, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैग्स। टैग्स को डिफाइन कैसे करते हैं। टैग्स कुछ नहीं होता, टैग्स जैसे कमांड कह लीजिए आप, या कुछ ऐसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो ब्राउजर को ये बताते हैं कि कंटेंट को या टेक्स्ट को या इमेज को कहां और किस तरीके से डिस्प्ले करना है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। दे आर द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द ब्राउजर हाउ and where to display the content on the web page. Okay, now this is really very very important, क्योंकि HTML में हम tags ही लिखते हैं, सब कुछ हमें tags में ही करना है। So basically functional unit HTML की tag है, right? So अभी हम बात करते हैं HTML tags कैसे लिखेंगे, कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट थिंग, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को टैग बना के लिख देंगे, नो। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स हैं जो स्पेसिफिकली एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तभी तो डिफरेंस पता चल पाएगा कि नॉर्मल कंटेंट में और टैग में क्या डिफरेंस है।
राइट, वरना तो ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कि कंटेंट क्या है और टैग क्या है, कमांड क्या है और कंटेंट क्या है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसीलिए टैग्स को हमेशा एंगल और ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है. राइट, सो अभी हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के हमारे पास टैग्स हैं. हमारे पास टू टाइप्स के टैग्स हैं. पहला है कंटेनर टैग, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी होती है कंटेनर टैग्स की. दूसरी कैटेगरी होती है एम्प्टी टैग्स की. राइट, कंटेनर टैग मतलब एक ऐसा टैग जो स्टार्ट होता है और जो एंड भी होता है, ठीक है. एम्प्टी टैग जो सिर्फ स्टार्ट होता है उसको एंड करने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. राइट, लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ कंटेनर टैग. जैसे HTML एक टैग है, ठीक है, वो क्लोज भी किया जाता है. राइट, नाउ प्लीज लुक हियर केयरफुली. जब हम एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम जब टैग लिखते हैं उसमें और एंगुलर ब्रैकेट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है. इस बात को हम लाइव डेमो में और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, सो डोंट वरी. क्लोजिंग टैग का मतलब क्या है? क्लोजिंग टैग देखिए, ये ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश से होता है. जब किसी भी टैग में आगे फॉरवर्ड स्लैश लग जाए दैट मींस वो एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है. सो दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग. और ये जो मैंने यहाँ पे डैश 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 लगाया है इसमें आप कॉन्टेंट लिखेंगे जो आप अपने वेब पेज पर शो करना चाहते हैं. ओके, नाउ एम्प्टी टैग की एग्जाम्पल जैसे BR, जैसे HR. ओके, सो BR मतलब लाइन ब्रेक, एंटर की का काम करता है HTML में. HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, ओके, एक एक लाइन क्रिएट करता है वेब पेज पे. ओके, डोंट वरी अगर अभी थोड़ा ही समझ में आ रहा है, बिकॉज व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिस, जब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे, नोटपैड पे हम HTML की फाइल क्रिएट करेंगे और ब्राउजर पे उसका आउटपुट देखेंगे, देन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. डोंट वरी एट ऑल. अब हम लास्ट सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML. फाइनली ये समझने की जरूरत है कि HTML की फाइल हम लिखेंगे कैसे, क्या क्या उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक ढांचा होगा जिसको हमने हमेशा फॉलो करना है. हम उसको चाहकर भी जो है ब्रेक नहीं कर सकते, हम उसे चाह के भी उसको किसी और वे में नहीं लिख सकते. ओके, सो लेट्स मूव ओवर टू दी HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है. इस स्ट्रक्चर को ही आपको हमेशा फॉलो करना है अपनी नोटपैड फाइल में, ठीक है. आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल वेब पेज भी बनाया है. आप रिलेट करने की कोशिश करिए, जब आप एक वेब पेज देखते हैं इंटरनेट पे तो वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना. ये टाइटल बार होता है और जो बाकी का जो एरिया है, दिस इंटायर एरिया, इसको हम लोग जो है बॉडी कहते हैं वेब पेज की, ठीक है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, बिल्कुल वैसे ही एक HTML का स्ट्रक्चर होता है. इसमें सबसे पहले आप इसका पेरेंट टैग लिखेंगे, विच इज द HTML, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट HTML के अंदर ही है. उसके बाद एक हेड टैग होता है और फिर होता है एक बॉडी टैग. चलो लेट्स सी. सो पहले हम लोग लिख रहे हैं HTML. ओके, ये कंटेनर टैग है, ध्यान से देखिए, कोई भी स्पेस नहीं आएगा एंगुलर ब्रैकेट और टैग के बीच में, कोई भी नहीं. उसके बाद हम लिखेंगे हेड टैग, ठीक है. हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइटल. टाइटल में मैं यहां पे डैश डाल रही हूं, डैश मतलब जो भी टाइटल आपको मेंशन करना हो आप वो लिख सकते हैं. फिर आप यहां पे टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, राइट. उसके बाद आप हेड टैग को क्लोज करेंगे. ओके, ये एक पोर्शन हो गया या एक पार्ट हो गया HTML फाइल का. उसके बाद आप जो है बॉडी टैग को ओपन करेंगे, ठीक है, BODY. उसके बाद आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे, देन आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे एंड देन आप HTML टैग को भी क्लोज करेंगे. नाउ हैव अ लुक हियर केयरफुली, ध्यान से देखिए. HTML मैंने स्टार्ट किया, लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दिस. मैंने HTML स्टार्ट किया और HTML क्लोज किया,
ठीक है, कंटेनर टैग है इसलिए मैंने स्टार्ट और एंड भी किया, हेड टैग स्टार्ट किया क्लोज किया, ओके टाइटल स्टार्ट हुआ टाइटल क्लोज भी हुआ, देन बॉडी भी स्टार्ट करके क्लोज किया, ऑलराइट। सो ये सारे कंटेनर टैग हैं एंड रिमेम्बर आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द सेट पैटर्न और यही वो टैग्स हैं जो आपको लर्न भी करने हैं, ओके विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने करते करते ये आपको अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगे, डोंट वरी। ये जो डैश है यहाँ पे आप जो भी कंटेंट मेंशन करेंगे वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ माय पेज तो आप यहाँ पर लिख दीजिए माय पेज, जैसे लिखेंगे वैसे ही वहां पर नजर आएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ हेलो ऑल, ओके तो मुझे यहाँ हेलो ऑल लिखना पड़ेगा और वो एज इट इज वहां पर नजर आएगा, ओके आई होप मैंने ये क्लियर किया है पॉइंट। वन मोर थिंग, मैंने खुद से ही यहाँ पे कैपिटल HTML लिखा था जबकि मैंने स्टार्ट किया था स्मॉल HTML से, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ओके सो आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें HTML को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। होप कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस। So with this, let's wrap up today's class. Bye bye and thank you so much for watching.